एक बार फिर से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसे सुनकर ये लगता है कि वाकई बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। पहले दोस्ती, फिर मुलाकातों का दौर और फिर झांसा देकर दुष्कर्म। मुलाना थाना के धनोरा गांव की रहने वाली युवती ने महेश नगर अंबाला कैंट के रहने वाले एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती ने युवक पर ब्लैकमेल और नशे की दवाई देकर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए हैं। पुलिस को दी शिकायत में युवती ने बताया कि महेश नगर का रहने वाला एक युवक युवती के गांव में 2 साल पहले अपनी बहन के पास रहता था। वो उनकी दुकान पर आने जाने लगा। कुछ समय बाद दोनों में बातचीत होने लगी और दोनों में दोस्ती हो गई। पीड़िता भी अंबाला के कॉलेज में बीए की छात्रा थी। इसके बाद आरोपी उस पर दबाव बनाकर उसे फिल्म दिखाने के लिए अंबाला ले गया। उसने युवती के साथ फोटो खींची, जिसके बाद युवक बदनामी का डर दिखाकर युवती को ब्लैकमेल करने लगा। युवक युवती को एक दिन अंबाला के होटल में ले गया, जहां आरोपी ने युवती को नशीली दवाई पिलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। युवक पीड़िता को हर दिन ब्लैकमेल करने लगा। एक पीड़िता है हमारे यहाँ पे, हमारे इलाके के रहने वाली। उसने आरोप लगाया, दीपक अग्रवाल नाम का आदमी है अंबाला का, कि वो उसके पास आया। उसने उसके पास आता था क्योंकि उसकी आरोपी की बहन जो है इन्हीं के गांव में है मैरिड, तो उस बहाने वो आता आना जाना लग गया। उससे पीड़िता लड़की है, इससे उसने दोस्ती की और दोस्ती करते हुए फिर उसको अपने पास बुलाना, उसको फिर बुला के उसको ये धमकी देना भी मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा अगर मेरा कहना नहीं माना। तो इस तरह की बातें करके उन्होंने उसको लड़की को बुलाता था। इसमें रेप केस में 376 का, और उसने लड़की ने आरोप लगाया था कि उसको कुछ नशीला पदार्थ दिया गया था, जिसमें हमने धारा 328 लगाई है और धमकी के लिए 506 लगाई है। जिसके कुछ समय बाद पीड़िता ने चुप्पी तोड़ते हुए आरोपी युवक के खिलाफ थाना मुलाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है, जहां उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। बनारस से अनिल कुमार की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।